नील तुम बहुत फनी हो। वो तो सभी कहते हैं, स्पेशली मेरी मॉम। मेरा बच्चा। सच में आप लोगों में कितना प्यार है, कितनी यूनिटी है। वो तो है। मैं क्या सोच रही थी कि कल मार्केट जाऊं शॉपिंग के लिए, बट शॉपिंग के मामले में ना मैं एकदम जीरो हूँ, और यहाँ मेरा कोई दोस्त है भी नहीं। प्लीज आप चलेंगे क्या? इतना एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। हा? मैं जरूर चलूंगी तुम्हारे साथ। हा? हा? और हमारी चॉइस तो मैडम को पसंद नहीं आएगी। लगता है आलोक आ गए, मैं देखती हूँ। हाँ आप बैठिए ना। ठीक है। अच्छा और बताइए। जी आइए। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे आलोक आप आ गए। ये प्रीति हमारी नई पड़ोस और मेरी नई दोस्त, और ये इनकी मॉम, और ये नील प्रीति के भाई। हेलो। और ये मेरे हस्बैंड डॉक्टर आलोक मिश्रा। अच्छा आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए कॉफी बनाती हूँ। ठीक है। एक्सक्यूज मी। ठीक है चलो बेटा फिर हम भी चलते हैं। अरे अभी कहाँ, अभी तो आए हैं, थोड़ी टाइम रुकिए। अरे आलोक जी को कॉफी वॉफी पिलाओ, हम लोग क्या है बाद में मिल लेंगे। चलिए ठीक है। अच्छा चलें। बाय। अरे मैं तो भूले गई, बातों बातों में आलोक को कॉफी बनाकर देनी थी। कितनी अच्छी अच्छी साड़ी है आपके पास, एकदम से कलरफुल। अच्छा तुम्हें पसंद आया? हाँ। चलो ठीक है तो तुम लेकर जा सकती हो। नहीं ले जाऊंगी नहीं, बट ट्राई करना चाहूंगी। ठीक है तो फिर तुम ट्राई कर लो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। ठीक है। ओके। डॉक्टर साहब आप? कहीं पर भी तो नहीं? अच्छा झूठ मत बोलो। कब से देख रही हूँ, किसकी ख्यालों में खोए हुए हो? अरे तुम्हारे होते हुए किसी और के ख्यालों में मैं खो सकता हूँ? अच्छा और नहीं तो क्या। और बताओ तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? मेरा काम एकदम झक्कास। उस दिन शॉपिंग में बहुत मजा आया ना? अरे बाप रे बाप, सच में गजब। ऐसी शॉपिंग तो मैं कर ही नहीं पाती हूँ। अरे गई किसके साथ थी?
प्रेमा हाँ? अंदर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आती हूँ। चलो ठीक है, मैं जाती हूँ। हाँ, कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय बाय। बोलो। प्रेमा, मैंने तुमसे कितनी मर्तबा कहा है, मुझे फालतू लोगों से ज्यादा दोस्ती पसंद नहीं। क्या हो गया है आपको? हाँ, 3-4 दिन से मैं नोटिस कर रही हूँ कि आप बात बात पर चिढ़ जाते हो। आखिर बात क्या है, बताओगे? कुछ नहीं, बस मुझे तुम्हारा प्रीति से मिलना पसंद नहीं। पर पहले तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी प्रीति से, अचानक से क्या हो गया आपको? देखो प्रेमा, प्रीति अच्छी लड़की नहीं है। मैं चाहता हूं बस तुम उससे दूर रहो, प्लीज। अच्छा बाबा, ठीक है, अब अपना मूड ठीक करो। हाँ, क्या हुआ पैसों का? मैंने कहा ना, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। देखो, अगर तुमने पैसों का इंतजाम नहीं किया तो फिर समझ लो कि तुम्हारा क्या हाल होने वाला है। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, आप मुझे सिर्फ एक दिन का मोहलत दीजिए, मैं कुछ अरेंज करता हूँ। ठीक है, कल शाम का वक्त है तुम्हारे पास, कल शाम तक अगर पैसे नहीं दिए तो फिर जेल में चक्की पीसने के लिए तैयार। देखो, ऐसा कुछ मत करना। हेलो 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 हेलो, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हो? कुछ नहीं, एक दोस्त का फोन था, उसे कुछ पैसों की जरूरत थी। आलोक, मुझे पता है आप परेशान हो। आलोक, मैं आपकी बीवी हूँ, मुझे नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे, प्लीज। प्रेमा, आलोक, क्या हो गया, क्या हो गया? मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती? कैसे गलती? प्लीज आलोक, मुझे क्लियर क्लियर बताओ कि हुआ क्या है। ये उस दिन की बात है जिस दिन तुम अपने पिताजी के वहां गई थी। डॉक्टर साहब। अरे प्रीति, आओ आओ, कैसे आना हुआ, अंदर आओ। आ, आ, आ,
ये पैर में क्या हुआ तुम्हारे? अरे क्या बताऊं डॉक्टर साहब, बहुत दर्द हो रहा है, शायद मोच आ गई। क्या? बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ प्रीति? ये मोच आ गई। कहाँ? माँ ने कहा कि जाके आपको दिखा दूँ। अरे भाई, पड़ोसी डॉक्टर है तो कुछ तो फायदा उठाना चाहिए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आखिर ये मेरा फर्ज बनता है। कहाँ पर चोट आई? यहाँ। अरे यहाँ नहीं। एक मिनट रुको। यहाँ? अरे यहाँ नहीं डॉक्टर साहब, थोड़ा ऊपर। यहाँ? और ऊपर। मोच आई ना तुमको? हाँ। हाँ। प्रीति, यहाँ पर हो रहा दर्द आपको? अरे नहीं डॉक्टर साहब, थोड़ा ऊपर। यहाँ? अरे थोड़ा और ऊपर। यहाँ? थोड़ा और। यहाँ? यहाँ? यहाँ नहीं बाबा, थोड़ा और ऊपर। यहाँ? थोड़ा और ऊपर ना। नहीं बाबा, यहाँ नहीं, थोड़ा और ऊपर। कहाँ? बस डॉक्टर साहब, अब इलाज कर दीजिए ना। डॉक्टर, आप लोग यहाँ?
ठीक है मत दे, मैं अभी पुलिस स्टेशन में तेरे नाम की रिपोर्ट डाल देता हूँ और तेरी बीवी जो मायके गई है ना उसको भी फोन लगा के बता देता हूँ, फिर तू घर का रहेगा ना घाट का। नहीं नहीं ऐसा मत करिएगा, इससे मेरी इससे चली जाएगी। जैसे भी होगा मैं आप लोगों को पैसे का इंतजाम करके मैं देता हूँ, पैसे मैं देता हूँ आपको। ठीक है फिर मैंने उन्हें पैसे दे दिए, मैंने तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ा, मैं बहक गया था, मुझे माफ कर दो प्रेमा, मुझे माफ कर दो। ट्रस्ट तो तुमने तोड़ा है यालो, इसके लिए शायद ही मैं तुम्हें माफ कर पाऊंगी, लेकिन ऐसे फ्रॉड लोगों को सजा देना भी बहुत जरूरी है। अच्छा एक बात बता, तुम्हें ब्लैकमेल कौन कर रहा है? प्रीति का भाई नील, वो मुझसे 4 लाख रुपए और मांग रहा है। वो मुझसे कहा कि अगर कल तक की उसके 4 लाख रुपए नहीं दिए तो वो पुलिस में कंप्लेन कर देगा। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं प्रेमा। आलोक मेरे पास एक प्लान है। क्या? यार कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ। मैं क्या सोच रही थी कि बस हमारे पास भी इतने पैसे आ जाएं कि हम लोग भी एक ऐसा ही घर लेके सेटल हो जाएं, क्यों क्या बोलते हो? मेरी प्यारी नकली बेटी, हम जैसे फ्रॉड लोगों के किस्मत में ऐसे घर नहीं होते। आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमने आज यहाँ किसी को लूटा तो कल कहीं और, हम जैसे लोगों का ठिकाना थोड़ी ना होता है। पता नहीं इस बार मुझे एक अजीब सा डर लग रहा है, इस डॉक्टर को कुछ ज्यादा ही नहीं लूट लिया है हम लोगों ने? मुझे भी डर लग रहा है। मैंने नील को कितनी बार समझाया है कोई पढ़ा लिखा बकरा ना ढूंढे, मगर ये समझता ही नहीं। कौशल्या जी उर्फ हमारी प्यारी नकली माँ, आप टेंशन बहुत लेती हैं। वैसे भी डॉक्टर है बड़ा मालदार, एक बार में ही हमें 10 लाख रुपए दे दिया। जरा सोचो ऐसे बकरे ढूंढने से नहीं मिलते, हमें तो मिल गया है। अब तुम देखना इसको मैं कैसे अपने नोट छापने की मशीन बनाता हूँ। ए हेलो नील, बस बहुत हो गया, ये इस डॉक्टर को जितना लूटना था ना हम लोगों को उतना लूट चुके। अब मुझे लगता है कि हमें ये शहर छोड़ देना चाहिए, और वैसे भी तुम तो जानते हो ना पुलिस कैसे हम लोगों के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है। ए कुछ नहीं होगा, तू अपना दिमाग मत चला। अरे आप ही समझाइए ना इसको। नील प्रीति सही बोल रही है, अब हमें जल्द से जल्द ये शहर छोड़ना पड़ेगा। ठीक है कल तक का वेट करते हैं, जैसे ही शाम को हमें पैसे मिल जाएंगे हम ये शहर छोड़ के रफू चक्कर हो जाएंगे। ये ठीक रहेगा। लो डॉक्टर साहब का मैसेज भी आ गया, उसने कल शाम को हमें अपने घर बुलाया है। कल 5 बजे जब उसकी बीवी उसके घर नहीं होगी तब हमें बुलाया है। तो ठीक है कल शाम को उससे पैसे लेने के बाद हम यहाँ से छू हो जाएंगे। ये ठीक है। हाँ। ठीक है तुम दोनों चुप रहोगे? बेटा इन खिलौनों से हम बचपन में खेला करते थे। छोड़िए मुझे छोड़िए। सीधा खड़ी रहो, ब्लैकमेल करती है। मैंने कहा था ना ज्यादा लालच ठीक नहीं है, अब सड़ो जेल में। सड़ोगे तो जेल में ही, काम ही ऐसे किया आप लोगों ने। डॉक्टर साहब आप लोगों ने इन लोगों को रंगे हाथों पकड़वा कर कानून की बहुत बड़ी मदद की है आप लोगों ने। शायद आप लोग नहीं जानते ये लोग बहुत लोगों को बेवकूफ बना चुके हैं और उन लोगों से पैसे ठग चुके हैं। ये लोग पुलिस को इन लोगों की बहुत दिनों से तलाश थी, खैर आज हत्ते चढ़ गए ये, अब इन्हें ले जाकर जेल में कुटूंगा, चक्की पिसवाऊंगा इनसे चक्की। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, प्रेमा जी कानून की मदद के लिए। डॉक्टर साहब हो सकता है आपको कानूनी कार्रवाई के लिए आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा, प्लीज कोऑपरेट। चलो पूर्वी चलो चल।